तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया क्योंकि मैंने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दी है। अपनी सैलरी से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब से कमाया नहीं हूँ। मैंने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, वो बैकग्राउंड सही नहीं था। मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिसमें नई जनरेशन ऐसी घुसती जा रही है जैसे वजाइना में स्पम घुसते जाते हैं। अबे साले, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और इनका स्वागत ऐसे किया जाता है लगता है युद्ध जीत कर आए। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। देख लो चमन को, अभी पेट से निकला नहीं और नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गया। बाप ने भी बोला हो गया, आ जा बेटे, तेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंतजार कर रहा है। भोसड़ी का इतना लपेटा बोल रहा है, इतना लपेटा तो डॉक्टर अपने पर्चे में नहीं लिखता। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आके। बस इसी तरह अगर ये बाजार में निकल जाए ना, तो लोग इन्हें चोर गैंग बोलते हैं, खुलेआम डकैती डालती हैं। ये जल रही उस साइड, मेरे को जगह नहीं हो रही, मेरे को कैमरा आएगा नहीं, कैप्चर नहीं कर पाएगा, मैं तेरे को बहुत रान दुखाई सुनाऊंगी, चल उस साइड चल जल्दी। भोसड़ी का एक और आ गया पेट से निकला हुआ लांड, मादर जो लात मार कर बाप ने भगा दिया होगा आज फिर, और बोला होगा जा नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्पीच दे कर। चड्ढा समझाओ इसे। भोसड़ी का सबने गाड़ी ली, इसने गाड़ी ली, उसने गाड़ी ली, जब तेरी उम्र से उसने काम किया तब गाड़ी आई अभी, और तेरी गाड़ी कहाँ है? जब तू इनके बराबर हो जाएगा तब तेरी गाड़ी आएगी, मतलब अभी 9,000 के चेक से ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, भोसड़ी का स्वागत तो ऐसे करते हैं लगता है जंग जीत कर आए। माधव चुत भले ही ऑटो से घर जाना पड़े पर स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए। अरे भैया मेरी दुकान मान लिए, 6,000 दे रहे हैं और काम इतना करवाते हैं, लगता है छोड़ छाड़ के चला जाऊं, गांड मान लेते हैं यार। आओ माँ कसम। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? रुक जा तो कैसे हो? बढ़िया। तो मजा आया कि जलन हुई? मजा। हाँ जलना नहीं, जलोगे तो फिर तुम रह जाओगे। और ये भोसड़ी का इतना चल क्यों रहा है, खड़े होकर भी स्पीच दे दी जाती है। भोसड़ी का लगता है बाबा सीर है या फिर कोई उंगली कर रहा है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे माले मिले और भोसड़ी का एक वो लड़ चढ़ रहा था जो लपेटे में हिंदी बोल रहा था, और एक ये है जो बीच बीच में हैंग हो जा रहा है। सारे माले मिले और मैं आदर जो कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, बोलो ना भैया। और उन मूर्तियों को देख लो जो खड़ी हैं, अच्छा कुछ बोल रही हैं। अरे भैया बड़ी रेंज खड़ी करवाए यार, मेरी तो गाड़ पड़ गई, खड़े खड़े 9,000 देते हैं, भोसड़ी अगर ताली भी बजवाते बीच पे और खड़े भी करवाए, माँ तो छोड़ना पड़ेगा लगता है। और मेरी वाणी यहीं से कंप्लीट करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट इंडिया, ग्रेट इंडिया। इनको लास्ट में ये बस याद रहता, विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट इंडिया, ग्रेट इंडिया। भोसड़ी के लगता है रट्टा मार के बैठे रहते हैं, पूरी स्पीच में तो हैंग होता जा रहा है और ये बस इतनी जल्दी बोला लगता है ट्रेन छूटी जा रही है। नमस्कार। भोसड़ी के इतने माला डाल दी, इतने माला तो कोई शादी तक में नहीं पहना, तो माधव चुद इसकी शकल के हिसाब से माला गलत डाले हैं, फूल के नहीं जूतों के पहनाने चाहिए।
तो अपन भी यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की क्लास समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।